फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर टैली। हाय एवरीवन, आज से हम जो आपको पीडीएफ फाइल दिए हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का, जिसमें गणेश भगवान का इमेज है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी में से आप नोट्स बनाइएगा या मैं दे रहा हूँ, इसको देखिए समझिए। तो आज हम बता रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो हम ये जो भी आप लोगों को बता रहे हैं, ये अकाउंटिंग टैली के लिए बता रहे हैं, क्योंकि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग के लिए है। तो आज मेरा ये टॉपिक अकाउंटिंग और टैली पर रहेगा। अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, टैली के बारे में बताएंगे। तो टैली सीखने के लिए अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम टैली में होता है। ठीक है, टैली के द्वारा अकाउंटिंग का काम किया जाता है, तो अकाउंटिंग का ज्ञान रहना ही चाहिए, क्योंकि टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंपनी एंड मैनेज द अकाउंटिंग इन्वेंटरी टैक्स एंड फाइनेंस बैंकिंग पेरोल जीएसटी इनकम टैक्स इटीसी। तो ये जो मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग बताऊंगा वो टैली के बताऊंगा, क्योंकि टैली इसीलिए बनाया गया है अकाउंटिंग का काम करने के लिए। तो जो भी लेन देन होता है एवरीडे बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करता है। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को। पहले तो मैं बात करूंगा थोड़ा टैली के बारे में, फिर अकाउंटिंग के बारे में, आज यही दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले बताते हैं टैली के वर्सन के बारे में। वर्सन मतलब क्या, जैसे जैसे टैली में काम बढ़ते गया और विकास होते गया और नया नया वर्सन आते गया, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल एवरी डे कुछ नया आ रहा है, तो उसमें कुछ फीचर्स रहते हैं, तो इससे उसका वर्सन बदल जाता है। आप देखिए ना, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये वर्सन है। उसी तरह टैली के डिफरेंट टाइप ऑफ वर्सन है। सबसे पहले 1990 में टैली 3.0 आया था, इसके बाद टैली 3.12 1991 में आया। तो इसमें कुछ था तो उसको एडिशन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें फीचर्स जोड़ा गया, तो इसका वर्सन अलग हो गया। फिर उस टैली में और कुछ, टैली 4 आ गया 1992 में, इसमें कुछ फीचर ऐड किया होंगे। टैली 4.5 1994 में आया, इसमें कुछ फीचर्स होंगे। तो हर बार जब भी कुछ नई ऐड होता है तो एक वर्सन उसका नाम चेंज हो जाता है। टैली 5.4 1996 में आया था, टैली 6.3 2001 में आया था, टैली 7.2 2005 में आया, टैली 8.1 2006 में आया, और टैली 9.0 2006 में, ये दोनों साथ ही आए थे। तो आगे पीछे सबसे लेटेस्ट जो वर्सन है वो टैली ERP 9 है 2009 में, और इसका सीरीज आज तक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो टैली ERP 9 जो है फाउंडेड हुआ था 1986 में, जो इस
ये बना हुआ है, लोकेशन है उसका, और फाउंडर जो है श्याम सुंदर। तो हम टैली के बारे में कुछ बात बताएं, इसके वर्सन के बारे में, अभी यूज हो रहा है टैली या P9, GST का मांग है, इसमें सब सुविधा है GST टैक्स करने का। तो हम पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ टैली। देखिए ये तो बताया कि लेटेस्ट वर्जन टैली का, टैली ERP 9, तो ये ई मतलब इंटरप्राइजेज आर मने रिसोर्स प्लानिंग इसका होता है, tally.erp9 का इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, अब इसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। ये जो फंक्शन होता है इसमें अकाउंटिंग काम किया जाता है, और अकाउंटिंग साथ इन्वेंट्री का काम किया जाता है, टैक्सन जितना भी टैक्स का काम किया जाता है, और जो भी हम लोग इसमें रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से कहीं सेंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है, अकाउंटिंग क्या करता है इसमें, अकाउंटिंग क्या है, इन्वेंट्री क्या है, टैक्सन क्या था, देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर जो टैली हम बताए उसमें अकाउंटिंग का काम होता है, अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री का काम होता है, टैक्स का काम होता है। तो देखिए मान लीजिए कि शुरू शुरू जो टैली के वर्सन आए थे तो उसमें सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम होता था, मीन्स कि अगर कोई चीज़ हम परचेज करते हैं तो उसका अमाउंट दे दिए, सेल किए तो उसका अमाउंट दे दिए, मतलब मोटा मोटी उसके बारे में लिख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे अकाउंटिंग में काम होते गया, टैली में काम होते गया, उसका वर्सन बदलते गया, और साथ में उसमें फीचर्स नए नए जुटते गए, तो अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री जो है क्या है, तो पहले अकाउंटिंग तो समझ गए कि जो भी लेन देन करते हैं उसका मोटा मोटी लिख लेते थे, यही टैली में काम होता था शुरू शुरू। तो इसके बाद इन्वेंट्री आया, तो इन्वेंट्री क्या है, देखिए हमने परचेज किया 7,000 का तो ये अकाउंटिंग में ऐड कर लिया गया, लेकिन इतना ऐसे काम नहीं हुआ। अब ये 7,000 आया है तो कौन कौन सा आइटम परचेज किए हैं या सेल किए हैं कि 7,000 आया है, तो आइटम इसमें लिखना जरूरी है। कीबोर्ड है 10 पीस 500 के रेट से, इसको मल्टीप्लाई किए तो 5,000 हो गया। इसके माउस है 10 पीस रेट 200, तो इसको मल्टीप्लाई किए 2,000 हो गया। अब ये ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं तो टोटल 7,000 हो गया। तो ये जो भी हम विवरण देते हैं वो इन्वेंट्री कहलाता है, हम जो भी विवरण देते हैं वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। ये आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, फिर उसको अमाउंट करके टोटल कर दिया गया। तो ये 7,000 इस प्रकार आया। अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि परचेज किए 7,000 तो अकाउंट हो गया, और इन्वेंट्री उसको डिटेल में विवरण साइंस सूची को ही इन्वेंट्री बोलते हैं, तो पूरे को इन्वेंट्री बोलेंगे, पूरा विवरण। इतना ही नहीं, अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री तो समझ गए कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री मतलब पूरा डिटेल के साथ अकाउंटिंग का अमाउंट हो, इसके साथ टैक्स का भी काम करता है। तो यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है, तो टैक्स आपका 10%, तो 7,000 का परचेज किए तो 10% 700 ऐड हो जाएगा GST, और इसको टोटल करके बिल बन जाएगा 7,700। तो इसमें टैली में टैक्स का भी काम होने लगा, कैलकुलेशन होने लगा, और इस तरह इसका फील बढ़ने लगा। आज हर कुछ टैली में होता है, जो
अपने आप में अकाउंटिंग बढ़ा है, अपने आप में इन्वेंट्री बढ़ा है, अपने आप में टैक्स बढ़ा है, और इसका रिपोर्ट इस टैली में ले सकते हैं। जो भी जितने भी तरह का अकाउंटिंग का रिपोर्ट लेना हो, इन्वेंट्री का रिपोर्ट लेना हो और टैक्स का रिपोर्ट लेना हो, वो सब टैली में आपको अवेलेबल है। अभी जो टैली है इसमें सब कुछ अवेलेबल है। इससे प्रिंट निकाल सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अपना जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन किए हैं तो कहीं हम भेज सकते हैं। तो ये टैली में जो वर्सन, जैसे जैसे काम बढ़ते गया तो उसका वर्सन नया नया आते गया और उसमें फीचर्स जुटते गए। तो अकाउंटिंग समझ गए, अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री समझ गए, टैक्सन का काम होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी लेन देन करते हैं उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अकाउंटिंग बारे में, कुछ टैली के बारे में हुआ बात, कुछ अकाउंटिंग। चूँकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो अकाउंटिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सही बात है, अकाउंटिंग के लिए ही टैली बना है। नीड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आप लोग तो मालूम ही है। तो वो चीज़ जो हम कॉपी पेन लेके करते थे वो अकाउंटिंग के लिए बना टैली। तो टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, फिर भी किसी व्यापार या कंपनी के आर्थिक लेन देन का हिसाब किताब रखने की सिस्टम को अकाउंटिंग कहते हैं। बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मतलब कि किसी व्यापार या कंपनी का आर्थिक लेन देन का हिसाब किताब रखने के सिस्टम को अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक होना चाहिए। अकाउंटिंग जो है कंप्लीट और सिस्टमैटिक किसी बिजनेस का रिकॉर्ड होता है जिसको अकाउंटिंग कहता है। इसके बारे में बहुत बात हो गया है, अब चलते हैं। तो आज हम अकाउंटिंग और टैली दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग को टैली के लिए, दे आर टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग फॉर टैली। मतलब कि टैली को समझने के लिए अकाउंटिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग, एक होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग क्या है? जो हम लोग हाथ से कॉपी पेज पर बनाते हैं तो वो मैनुअल अकाउंटिंग कहलाता है। और जो हम लोग कंप्यूटर में टैली करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रहता है। तो हम लोग को टैली सीखने के लिए पहले ज़रूरी होगा अकाउंटिंग का ज्ञान, इसके बाद टैली सॉफ्टवेयर का ज्ञान। तो आइए कुछ जानते हैं फाइनेंस। तो मैनुअल अकाउंटिंग हाथ से पेन से कॉपी पकड़ते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। और जो कंप्यूटर पकड़ते हैं वो टैली सॉफ्टवेयर होता है। मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट में हमको प्राप्त होता है ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसमें हम लोग को पढ़ना होगा सब्सिडी बुक्स एंड एडजस्टमेंट एंट्री।
मतलब कि टैली सीखने के लिए कम से कम इतना अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग आना चाहिए कि जनरल को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, लेजर को क्लासिफाइंग, ट्रायल बैंक समराइजिंग, फाइनल अकाउंट्स बोले एनालाइजिंग, तो इसको मालूम होना चाहिए। और फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है, सीट क्या है, तो ये पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। अब है सब्सिडी बुक्स, तो जो हम लोग रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं उसी का सब बुक है सब्सिडी बुक्स। कहने का मतलब छोटा मोटा बिजनेस के लिए जर्नल ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा जर्नल हो, बहुत लेन देन होता हो, तो उसके लिए जर्नल बनाया गया, सब जर्नल बनाया गया, उसको सब्सिडी बुक नाम दे रहा है। मतलब सब्सिडी बुक में बहुत से बुक होता है, कैश बुक होता है, सेल बुक होता है, सेल रिटर्न बुक होता है। कहने का मतलब ये है कि कैश बुक बनाया है कि जितना भी कैश का एंट्री होगा कैश बुक में रख देंगे, जितना भी परचेज होगा वो परचेज बुक में रख देंगे, जितना भी सेल होगा उतना सेल बुक में रख देंगे। तो ये सब आपको अकाउंटिंग में सब धीरे 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 जानकारी होगा। तो क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि अकाउंटिंग और टैली को बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट मिनटिक भी जानना चाहिए कि साल भर बिजनेस किए तो किसी को पैसा दिए नहीं है, किसी से पैसा लिए नहीं है, तो उसका एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, आप तो मोटा मोटी वक्त अकाउंटिंग के बारे में समझ ही रहे होंगे। क्योंकि अब हम चलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में, तो जब आप अकाउंटिंग सीख लेंगे, मैनुअल अकाउंटिंग हाथ से करने आ जाएगा, तब हम कंप्यूटराइज पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टैली में हम लोग कंपनी क्रिएशन सीखते हैं, ठीक है, इसमें ग्रुप सीखते हैं। जब कंपनी बना लेंगे, कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी कैसे मतलब क्या है, कि आप अपना बिजनेस या किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब रख रहे हैं तो उसके लिए एक फाइल बनाएंगे, तो वही बोलते हैं कंपनी क्रिएशन, उसका नाम एक देते हैं। तो उस कंपनी से रिलेटेड बहुत सा ग्रुप लेजर बना भी होता है, बनाना पड़ता है। आपको इसमें F11 कंपनी फीचर्स, F12 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए टैली में। ये ग्रुप और लेजर तभी आपको समझ में आएगा जब आपको अकाउंटिंग पूरा आता हो। टैली का हीरो है ग्रुप, अगर ग्रुप का ज्ञान नहीं है तो टैली पर आप काम नहीं कर सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर के बारे में बताया जाएगा, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री भाउचर के बारे में बताया जाएगा। मास्टर अलग है, भाउचर अलग है, इसके बिना आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मास्टर होता है, इसके बाद भाउचर होता है, जब भाउचर में एंट्री करते हैं जब क्लास चलेगा, इसके बाद हम रिपोर्ट लेते हैं। तो ये तो सिंपल बात हो गया। और इस पे मल्टी करेंसी बजट, आपका पेरोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल करना, तो ये तो बहुत जगह काम है। हम तो एक मोटा मोटी लिख दिए हैं। नॉन अकाउंटिंग भाउचर भी होता है आपका, उसमें ऑप्शनल भाउचर, मेमोरेंडम भाउचर, बहुत तरह का है, सन्यूरियो है। तो टैली में बहुत चीज़ सीखना है। ये तो अकाउंटिंग होता है, इन्वेंट्री का एगो अलग ही है अपना होता है, और टैक्सन, इसमें टैक्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। और पहले का भैट, TDS, सर्विस टैक्स, अब तो GST आ गया। तो पूरी जानकारी टैली में आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसे
एक दो महीना तीन महीना का टैली कोर्स नहीं है, कम से कम एक वन वन ईयर्स लगेगा आपको टैली सीखने के लिए अगर ढंग से सीखना चाहते हैं। और 6 मंथ का कर लेते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही, आपको बस इतना बताना चाहते थे कि अकाउंटिंग और टैली दोनों के बारे में, कि अकाउंटिंग जो होता है मैनुअल अकाउंटिंग होता है जो हाथ से करते हैं, टैली होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है। तो मैनुअल अकाउंटिंग में कैसे जर्नल करेंगे, कैसे लेजर करेंगे वो बात होगी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूरा ख़त्म कर लेंगे तब आपको कंप्यूटराइज टैली बताएंगे, पहले मैनुअल अकाउंटिंग ख़त्म कर लेंगे एंड हो जाएगा तब जाकर टैली वाला को स्टार्ट होगा। तो आज इतना ही, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और लॉकडाउन में आप लोग एकदम अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको नया नया चीज़ लेके आऊँ, बताऊँ। ओके, टाटा।